किस रोल में नजर आएंगे माइक टाइसन, कैसे टाइसन होंगे लिगर मूवी के एक्स फैक्टर, क्या टाइसन का रोल होगा एक इम्पोर्टेंट वन, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। स्वागत है आपका इस वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ की अपकमिंग मूवी प्रोजेक्ट लिगर के बारे में। मूवी में विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे लीड रोल्स में नजर आने वाले हैं। विजय का इस मूवी के लिए फर्स्ट लुक काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है फैंस में, और फैंस भी इसके लिए काफी एक्साइटेड हैं। द बैडेस्ट मैन ऑन द प्लैनेट के टाइटल से जाने जाते माइक टाइसन इस मूवी में अपना डेब्यूट करने वाले हैं, और वहीं इस फिल्म का मेन अट्रैक्शन पॉइंट भी रहेंगे। मूवी में माइक टाइसन को फिट करने के अनलिमिटेड तरीके हैं, इवन यहाँ तक कि मेकर्स टाइसन को उन्हीं का रोल भी दे सकते हैं, यानी कि मूवी में माइक टाइसन अपने आप को ही प्ले करेंगे। एंड मे बी फिल्म के लीड कैरेक्टर माइक टाइसन का ही एक बड़ा फैन हो, ठीक उसी तरह जैसे कि चैन कुली की मैन कुली मूवी में करण का फेवरेट क्रिकेटर द कपिल देव, और उस मूवी में कपिल देव का भी एक कैमियो था, और उस कैमियो में कपिल देव ने अपने ही रोल को निभाया था, तो मे बी टाइसन भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। बट टाइसन के पास इस मूवी में काफी ज्यादा स्क्रीन टाइम है, जिस वजह से हम आइडिया लगा सकते हैं कि टाइसन को काफी मेजर रोल मिलने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली शायद माइक इस मूवी के लीड कैरेक्टर के कोच के रूप में नजर आ सकते हैं, या फिर लिगर के अपोजिशन बॉक्सर के कोच। बट ये बात तो कंफर्म है कि उनकी स्क्रीन टाइम काफी ज्यादा होने वाली है, क्योंकि उन्हें इस मूवी के लीड कैरेक्टर्स में से एक माना जा रहा है। एक और पॉसिबिलिटी जो लिगर फिल्म में दिखाई जा सकती है वो ये है कि 2020 में टाइसन ने लीजेंस ओनली लीग फॉर्म की थी, जहां रिटायर्ड प्रोफेशनल एथलीट्स के पास एक मौका होता है अपने रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स में कम्पीट करने का, तो मे बी लिगर मूवी का मेन कैरेक्टर इस लीग में हिस्सा ले, या फिर मूवी का कनेक्शन इस लीग से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि आखिरकार आज के टाइम पे बॉक्सिंग मेन लीजेंस ओनली लीग की काफी ज्यादा वैल्यू है, और फैंस उसे देखना बहुत पसंद करते हैं। आपके अकॉर्डिंग इन सभी ऑप्शंस को देखते हुए माइक टाइसन का किस मूवी में आप कौन सा रोल जस्टिफाई करना चाहेंगे, इस बारे में हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।